नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेंद्र बस्सी और शुरुआत करते हैं खबरों की। गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक 3 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। ये नई गाइडलाइन 1 अगस्त से लागू हो जाएगी। हालांकि इस पर भी कंटेनमेंट जोन को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है और कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से और ढील दिए जाने का फैसला लिया गया है। अनलॉक 3 के तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि किन किन चीज़ों से पाबंदी हटा दी गई है और किन चीज़ों पर पाबंदी बरकरार है। रात के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है। योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस संबंध में कोरोना के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने को लेकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की जाएगी। सामाजिक दूरी के पालन और हेल्थ प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह को मनाने की अनुमति दी गई है। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। व्यक्तियों और सामानों के राज्य के अंदर और राज्य के बाहर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 31 अगस्त 2020 तक बंद रखा गया है। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। और भारत में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, साथ ही कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भारत में इस समय कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वालों की संख्या 35,000 के पार हो गई। अच्छी खबर यह है कि संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में अब तक कोरोना के 15,84,384 केस सामने आए हैं, जिनमें से 35,003 लोगों की मौत हो चुकी। इसके अलावा बीते 24 घंटे में कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 789 लोगों की मौत हो गई। भारत में अब तक 10,21,611 लोग संक्रमण से मुक्त होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। बता दें कि भारत कोरोना प्रभावित देशों की सूची में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका, जहां कोरोना के 35 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं और 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां कोरोना के अब तक 25 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 90,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं बात विश्व की करें तो विश्व में कोरोना वायरस के संक्रमित की संख्या बुधवार को बढ़कर 1,89,00,000 हो गई, जबकि मृतकों का आंकड़ा 6,64,000 से अधिक हो गया। इस बीच चीन ने बुधवार को 100 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर हाइड्रोक्सोक्लोरोक्वीन के बचाव में उतरे हैं। इटली में लॉकडाउन को 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। प्रदेश की उद्धव सरकार ने 31 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 4 लाख के पार हो गए हैं। बीते 24 घंटे में यहां पर 9,211 नए केस सामने आए और 298 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना के कुल 4,06,51 केस हैं। 14,463 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यहां पर 1,40,129 एक्टिव केस हैं। बुधवार को 7,468 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। अब तक 2,39,755 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां पर पिछले 24 घंटे में 1,109 नए मामले सामने आए हैं और 60 लोगों की मौत हुई। देश की आर्थिक राजधानी में कोरोना के कुल 1,11,991 केस हो गए हैं और 6,247 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है। हालांकि मिशन विगिन अगेन के तहत छूट भी दी जाएगी। राज्य में 5 अगस्त से मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स खुल जाएंगे, लेकिन थिएटर और फूड कोर्ट बंद रहेंगे। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक मॉल्स खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं अब टैक्सी और 4 पहिया में ड्राइवर और 3 लोग बैठ सकते हैं। 2 पहिया पर 2 लोगों को बैठने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र में इससे पहले 29 जून से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। लोगों के इकट्ठा होने पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग और घर से काम को लेकर दिशा निर्देश जारी रहेंगे।
वही कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कोरोना महामारी के बीच सरकार ने करदाताओं को थोड़ी राहत प्रदान की है। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBTD ने अब आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBTD ने वित्त वर्ष 2018 और 2019 से 2020 के लिए आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। इसके तहत पहले 31 जुलाई आखिरी तारीख थी, हालांकि अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। इससे पहले भी दो बार ITR दाखिल करने की तारीख को बढ़ाया जा चुका है। आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। आयकर विभाग ने कहा कि कोविड महामारी के मद्देनजर आई बाधाओं और करदाताओं के लिए अधिक आसानी से अनुपालन के लिए CBDT ने वर्ष 2018 और 19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दी है। बता दें कि ये तीसरी बार है जब CBDT ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई है। वित्त वर्ष 2018 और 19 के लिए 31 मार्च 2020 तक ITR दाखिल करना था, हालांकि इससे पहले 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया, फिर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई आखिरी तारीख की गई और इसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2020 कर दिया गया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। गहलोत सरकार ने राज्यपाल से 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की थी और इससे पहले सत्र बुलाने को लेकर गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया था, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विधानसभा के सत्र को 14 अगस्त से आरंभ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान COVID-19 से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश मौखिक रूप से दिए हैं। बता दें कि विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर बीते कुछ दिनों से राज्यपाल और CM गहलोत में जंग जारी है। CM गहलोत जहां सत्र बुलाने पर अड़े थे, तो वहीं राज्यपाल सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहे थे। गहलोत गुट के विधायकों ने तो राजभवन में धरना भी दिया था, जिसके बाद राज्यपाल ने CM गहलोत के नाम एक खत लिखा था। राज्यपाल की ओर से मांग को न माने जाने पर CM गहलोत ने PM मोदी से बात भी की थी। उन्होंने PM मोदी को राज्यपाल कलराज मिश्र के बर्ताव के बारे में बताया। इसके अलावा गहलोत कई मौके पर राज्यपाल पर निशाना भी साध चुके हैं। गहलोत सरकार की ओर से 3 बार प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया था। बुधवार को यह चौथा प्रस्ताव था। पहली बार में कोरोना का मसला उठाने के साथ ही राज्यपाल में कुछ सवाल पूछे थे। दूसरे प्रस्ताव में सही जानकारी और सवालों का जवाब न होने पर लौटा दिया गया। तब राज्यपाल की ओर से जवाब में कहा गया कि विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए 21 दिनों का नोटिस चाहिए। और बुधवार को मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। सरकार की ओर से इसमें छात्रों को कई तरह की राहत दी गई है। 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब तक छात्र कॉलेज में फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ सकते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत छात्र अब फिजिक्स के साथ में फैशन डिजाइनिंग और केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकेंगे। सरकार की ओर से बताया गया कि मौजूदा शिक्षा नीति के तहत फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री मैथ्स लिया जा सकता है। इसके साथ फैशन डिजाइनिंग नहीं ली जा सकती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी। नई व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया गया कि जो मेजर प्रोग्राम है, उसके अलावा माइनर प्रोग्राम भी लिए जा सकते हैं। इसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि जो छात्र आर्थिक या अन्य कारण से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो वापस सिस्टम में आ सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र अलग अलग विषयों में रुचि रखते हैं, जैसे जो म्यूजिक में रुचि रखते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था अभी तक नहीं थी। नई शिक्षा नीति में मेजर और माइनर के माध्यम से ये व्यवस्था रहेगी। नई शिक्षा नीति के तहत 4 साल इंजीनियरिंग के पढ़ने के बाद या सेमेस्टर पढ़ने के बाद अगर कोई छात्र आगे नहीं पढ़ सकता है, तो उसके पास कोई उपाय नहीं है, छात्र आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता है। नए सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल सकती है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए तीन की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है Z5 पर। किसान और उनकी समस्याएं, फसल और सरकारी योजनाएं, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज, पशु और पशुपालन की विधाएं, नई तकनीक और उनकी उपयोगिताएं, इन सब पर है हमारी नजर। मेरा देश मेरा गांव, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, जिसे अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। इसका मतलब ये है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज भी शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष। इसके अलावा स्कूल में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें वो ले सकते हैं। नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच और उच्च संस्थानों को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी। अकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगी। छात्रों के परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। 2050 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा। गुणवत्ता योग्यता अनुसंधान के एक नए राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा। इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालय से होगा। नई शिक्षा नीति पर हुए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी। सुनिए। एक नई शिक्षा नीति को उसमें मंजूरी दी गई। यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीति है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे, और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। देश के लगभग 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज, 15 लाख से भी अधिक स्कूल, 1,09,000 से भी अधिक अध्यापक, और कुल अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है उससे भी अधिक 33 करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राओं को आज के इस ऐतिहासिक दिन पर बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। मुझे भरोसा है कि जो ये हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त, संस्कार क्षम, मूल्य परक, हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आए। इस समय असम और बिहार में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। बुधवार बाढ़ से 6 और लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के कारण 55 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। केरल के कुछ हिस्सों में लगातार तेज बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में जल जमा हो गया। इस वजह से रेल और सड़क यातायात सेवा आंशिक रूप से प्रभावित हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने केरल के इडुक्की जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और वहां भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। असम में बुधवार को जारी बुलेटिन में कहा गया कि राज्य में बाढ़ के पानी में
3 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार के बावजूद प्रदेश के 21 जिलों के करीब 17 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें कहा गया है कि मंगलवार तक बाढ़ के कारण 21 जिलों के करीब 19.81 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दैनिक बाढ़ रिपोर्ट में कहा है कि बरपेटा, कोकरझाड़ और कामरूप में जिलों में एक एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। इसके साथ ही इस साल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 133 हो गई है। इनमें से 107 की मौत बाढ़ संबंधी कारणों से, जबकि 26 की मौत भूस्खलन के कारण हुई है। वहीं बिहार प्रदेश आपदा विभाग ने कहा है कि राज्य में बाढ़ के कारण 3 और लोगों की मौत के साथ इसमें मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। बाढ़ के कारण करीब 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। सभी 3 मौत दरभंगा जिले में हुई। इसमें कहा है कि भारी बारिश के कारण प्रदेश में आई बाढ़ के कारण प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या 38.37 लाख हो गई है। बिहार प्रदेश के 12 जिलों के 1000 गांव इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय वायुसेना को राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप के तहत 5 विमानों के भारत आने पर बधाई दी। हालांकि इसके साथ ही राहुल गांधी ने भारत सरकार से राफेल की कीमत, संख्या और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर 3 सवाल एक बार फिर पूछे, जिनको लेकर उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को जमकर घेरा था। बुधवार दोपहर 5 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पहुंचे। देर शाम राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राफेल के लिए भारतीय वायुसेना को बधाई, लेकिन क्या सरकार इन सवालों के जवाब देगी? प्रत्येक विमान की कीमत 526 करोड़ के बजाय 1670 करोड़ क्यों दी गई? 126 की बजाय सिर्फ 36 विमान क्यों खरीदे? एचएल की बजाय कंगाल अनिल को 30,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? दरअसल बीते लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जोर शोर से राफेल सौदे में घोटाले का आरोप लगाकर इसकी जांच की मांग की थी। हालांकि इसी प्रकार की एक अन्य मांग की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे की जांच के आदेश देने से इनकार कर दिया था। जनता की अदालत में भी राहुल गांधी घोटाले के आरोप साबित करने में कामयाब नहीं हो पाए। दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में शुमार राफेल भारत आ चुका है। वायुसेना के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल होने वाले इन विमानों के आने से वायुसेना को चीन और पाकिस्तान पर बढ़त मिलेगी। राफेल का मुकाबला करने के लिए चीन के पास J-20 और पाकिस्तान के पास F-16 विमान है। भारतीय वायुसेना में 5 सुपरसैनिक राफेल लड़ाकू विमानों के शामिल होने के बाद अब इनकी संख्या 6 हो गई है। जैसे जैसे इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे भारतीय वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। अंबाला एयरबेस पर राफेल विमानों को 2 सुखोई MQI विमान एस्कॉर्ट कर लाए थे। ये पल यहां पर मौजूद हर किसी के लिए बेहद खास था। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की मौजूदगी में इन विमानों को वाटर सैल्यूट दिया गया। बता दें कि फ्रांस निर्मित राफेल का पहला विमान RP-001 भारत को पिछले वर्ष अक्टूबर में मिला था। उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इसकी डिलीवरी लेने फ्रांस गए थे और उन्होंने इस विमान पर ओम बनाकर इसकी पूजा की थी। इस पर विपक्ष की तरफ से हो हल्ला किया गया था। गौरतलब है कि भारत को फ्रांस से 36 राफेल विमान मिलने हैं। इनमें से आधे विमान अंबाला एयरबेस और आधे पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर रखे जाने हैं। इन राफेल को 11 गोल्डन एरा स्क्वाड्रन के पायलट उड़ाएंगे, जिनकी ट्रेनिंग फ्रांस में पूरी हो चुकी है। और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। बद्री के नाथ से, केदार के धाम से, हरि के द्वार से, दून की चाल से, हर खबर आप तक। देखिए उत्तराखंड लाइव।
देखिए बाद आपका स्वागत है। आर्थिक रूप से कमजोर भूमिहीन गरीब परिवार के उत्थान के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों ने तमाम योजनाएं चलाई हैं, पर ऐसी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वानगी महासमुंद जिले में देखने को मिल रही है। जिले का एक गरीब परिवार मकान टूट जाने के बाद पिछले 6 सालों से यात्री प्रतीक्षालय में रह रहा है और इस गरीब परिवार को आज तक मकान बनाने के लिए कोई भी सरकारी मदद नहीं मिली और गरीब परिवार मजबूरन समस्याओं व तकलीफों को झेलते हुए यात्री प्रतीक्षालय में रहने को मजबूर हैं। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बसे ग्राम साई सरायपाली में निवासरत जयंत निषाद, जो कि अत्यंत ही गरीब परिवार है, भूमिहीन इस परिवार के पास रहने के लिए एकमात्र स्वयं का कच्चा मकान था, वो भी आज से करीब 6 साल पहले ही भारी बारिश के चलते ढह गया और रहने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं रहा। तमाम वासियों ने इस परिवार की मजबूरी को देखते हुए इन्हें ग्राम में बने यात्री प्रतीक्षालय में आश्रय दिया। ये 6 सालों से रह रहे हैं, लेकिन कई बार गुहार लगाने के बाद भी इस परिवार को किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं मिली। उज्जैन जिला कलेक्टर ने केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया। पॉजिटिव एवं संदिग्ध कोरोना कैदियों को क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट करने के निर्देश दिए, साथ ही जेल के डॉक्टर को भी लापरवाही बरतने पर निलंबित करने के आदेश दिए गए। बता दें कि उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने केंद्रीय जेल भेरूगढ़ का निरीक्षण किया और कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज एवं संदिग्ध मरीजों का हालचाल जाना। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने SDM विदिशा मुखर्जी को निर्देशित किया कि वो जेल में बंद सभी कोरोना पॉजिटिव एवं लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था PTS और अन्य कोविड केयर सेंटर में करें, जिससे अन्य कैदियों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाव ना हो सके। आज यहाँ पे थोड़ी लापरवाही भी नजर आई है, जो थोड़ा बहुत चिकित्सा से संबंधित जो रेगुलर जांच से संबंधित है, तो इसलिए जो यहाँ से संबंधित डॉक्टर हैं उनको सस्पेंड करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ी टीम और बढ़ा रहे हैं, कुछ स्टाफ नर्स वगैरह और कुछ जो इक्विपमेंट्स हैं उनको और बढ़ा रहे हैं। हमारी जो प्लानिंग रहेगी वो ये रहेगी, यहाँ पे जितने भी मरीज हैं उनकी डेली एक बार स्क्रीनिंग हो जाए, जिससे हमको पता रहे कि यहाँ पर और कोरोना का प्रसार नहीं है। और साथ में कुछ लोग जो सर्दी खांसी, जिनको सामान्य प्रकृति की सर्दी खांसी है और जो पॉजिटिव लोग हैं, आज शाम तक उनको किसी न किसी क्वारंटीन फैसिलिटी में या फिर ट्रिपल सी में शिफ्ट करने की कार्रवाई भी करी जाएगी, तो इसके लिए ADM को रिक्वेस्ट किया गया है। और इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।